और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे और पीएम बनने के बाद पहली बार गुजरात में किसी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम जामनगर में साउनी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके मदद से नर्मदा के पानी से सौराष्ट्र के 115 डैम को पाइपलाइन के जरिए भरा जाएगा। इसके बाद पीएम राजकोट में रैली करेंगे, जहां पाटीदारों की संख्या ज्यादा है। पाटीदार नेताओं ने इस दौरान पीएम से मिलने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर विरोध की धमकी दी है। पीएम की इस रैली को गुजरात में होने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव के चुनावी कैंपेन के तहत देखा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए साउनी परियोजना काफी महत्वाकांक्षी है। उन्होंने इस परियोजना की घोषणा 2012 में की थी। उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके जरिए सिंचाई और पेयजल संकट झेल रहे सौराष्ट्र क्षेत्र के 115 बांधों में पानी डाला जाना है। बलूचिस्तान के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए बयान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पीएम मोदी के बयान से उत्साहित बलूचिस्तान के लोगों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अब वहां नरसंहार शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में मौजूद लोगों के मुताबिक वहां पर अब रोज 4 से 5 लाशें मिल रही है। पाकिस्तानी सेना ने अमानवीयता की हद पार करते हुए लाशों से आंखें भी निकालना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के लोगों पर रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है। बलूचिस्तान के लगभग सभी इलाकों कच्ची बोलान, क्वेटा, डेरा, बुकती, मस्तंग, अवारान समेत लगभग सभी बलूचिस्तानी जिलों के घरों से पाकिस्तानी फौज बड़े पैमाने पर पुरुष सदस्यों को उठा रही। दरअसल लाल किले के प्राचीर से 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में होने वाले नरसंहार का मुद्दा उठाया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी विमान के जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर में घुसने का खुलासा हुआ है। बीएसएफ ने इसकी रक्षा मंत्रालय को जानकारी दी है। ये एक ट्रेनर विमान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये एक छोटा विमान था जो कि कम ऊंचाई पर उड़ा रहा था और भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस गया। हालांकि ये जल्द ही वापस लौट गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 6 पंखों वाली रूखले रंग की एक उड़ने वाली वस्तु उसकी सीमा चौकी से देखी गई, जिसने दोपहर 1:10 पर भारतीय हवाई सीमा में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बीएसएफ के दिल्ली मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। भारतीय वायुसेना से बीएसएफ ने खबर की पुष्टि करने को कहा है, क्योंकि उड़ने वाली उस वस्तु को सेना के सिर्फ एक जवान और वहां काम कर रहे कुछ असैन्य नागरिकों ने देखा है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के सबसे बड़े बेटे डॉक्टर नईम को एनआईए ने नोटिस जारी किया है और एनआईए के शिवपोरा के दफ्तर में हाजिर होने को कहा है। एनआईए ने डॉक्टर नईम को सोमवार को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इस पर अब एनआईए ने उन्हें मंगलवार को बुलाया है। एनआईए की एक टीम श्रीनगर में टेरर फंडिंग के मसले को लेकर जांच कर रही है। माना जा रहा है कि नईम को उसी सिलसिले में बुलाया गया है। डॉक्टर नईम कई साल तक पाकिस्तान में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। कुछ साल पहले वे वापस आए थे। हुर्रियत के मुताबिक ये भारत सरकार की बचकाना हरकत है। उधर एनआईए की टीम फिलहाल करीब 20 बैंक खातों की जांच कर रही है, जिनमें कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस मामले में कुछ लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है, कुछ से पूछताछ भी हो चुकी है। ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को प्रस्तावित अपनी हड़ताल रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय शामिल थे। ट्रेड यूनियनों ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को देश भर में बैंक, सरकारी कार्यालय और कारखाने बंद रहेंगे। हालांकि रेलवे कर्मचारियों ने अभी ये संकेत नहीं दिए हैं कि वे इस हड़ताल में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि रेल सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। ट्रेड यूनियन ने पिछले साल सितंबर से सरकार पर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को माने जाने का दबाव डाल दिया है। इनमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की मांग भी शामिल है। वे सरकार के विनिवेश के हालिया निर्णय, खासकर फार्मा, रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में ढील दिए जाने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 6 सितंबर से यूपी के चुनावी महासमर में उतरेंगे।
कांग्रेस ने राहुल की इस यूपी यात्रा को महायात्रा का नाम दिया है। तकरीबन एक महीने चलने वाली इस यात्रा में राहुल छोटी सभाएं और रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने साफ किया कि राहुल कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे और यात्रा के दौरान जनता से सीधा संवाद करेंगे। हालांकि राहुल की बहन प्रियंका गांधी कब यूपी के मैदान में उतरेंगी, इस बाबत कांग्रेस ने अब भी चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने की रणनीति तैयार की है। सोनिया गांधी के वाराणसी रोड शो की सफलता के बाद अब राहुल गांधी भी यूपी में पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों में जोश भरने के लिए पार्टी के युवराज राहुल गांधी को मैदान एक जंग में उतारने का ऐलान कर दिया है। बिहार के छपरा के गंदामान निम्न जमीन मामले में कोर्ट ने कल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी प्रधान शिक्षिका मीना देवी को एक धारा में 7 साल और दूसरी धारा में 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने मीना देवी पर 3,75,000 का जुर्माना भी लगाया है। 16 जुलाई 2013 को हुई इस घटना में 23 बच्चों की मौत हुई थी और दर्जन भर बच्चे बीमार हो गए थे। सजाए अलग अलग चलेंगी। मीना देवी को धारा 304 में 10 साल की सजा और 2,50,000 रुपए जुर्माना, जबकि धारा 308 में 7 साल की सजा और 1,25,000 रुपए जुर्माना सुनाया गया है। वही कोर्ट ने मीना देवी के पति अर्जुन राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। जांच में पाया गया था कि रसोइये ने सब्जी बनाने के लिए जब तेल मांगा तो मीना देवी ने जो डब्बा उसे दिया था वह कीटनाशक दवा का डब्बा था। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने रविवार को भारत आए पर्यटकों को स्कर्ट न पहनने की सलाह दी है, साथ ही छोटे शहरों में रात के वक्त बाहर न घूमने को भी कहा है। मामले के तुल पकड़ने पर महेश शर्मा ने इस मामले में सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से हर किसी को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे गुरुद्वारे में कोई जाता है तो सिर पर कपड़ा बांधकर जाता है, उस संदर्भ में ये बयान दिया गया था। बयान का कोई क्या कपड़ा पहने या नहीं पहने इससे कोई संबंध नहीं था। महेश शर्मा के बयान का राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ महिला संगठनों ने भी विरोध किया था। एक तरफ स्टार प्रचारक विशाल ददलानी का विवादित ट्वीट आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो दूसरी तरफ पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर खांसी और कफ से परेशान हैं। केजरीवाल अपना इलाज कराने बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं। केजरीवाल बेंगलुरु में नारायणा हेल्थ सिटी मजूमदार शाह मेडिकल सेंटर में खांसी का इलाज करवाने गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इलाज के वक्त लगने के हिसाब से केजरीवाल सोमवार देर रात या फिर मंगलवार की सुबह वापस लौटेंगे। इसी महीने केजरीवाल 10 दिनों की विपश्यना के लिए धर्मशाला भी गए थे। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनवरी 2016 में खांसी और ब्लड शुगर के इलाज के लिए बेंगलुरु के जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट गए थे, जहां वे 10 दिनों तक रहे। सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत कम वक्त बिताया है। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने कल द ऑस्ट्रेलियन अखबार की ओर से स्कॉर्पियन पनडुब्बी संबंधी डेटा को आगे प्रकाशित करने के खिलाफ अस्थायी आदेश जारी कर दिया। अदालत ने फ्रांसीसी कंपनी DCNS की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश जारी किया। अखबार का कहना है कि अदालत की ओर से अस्थायी आदेश दिया गया है। उसने पहले कहा था कि वह सोमवार को इस पनडुब्बी की सशस्त्र प्रणाली से जुड़े दस्तावेजों को प्रकाशित करेगा, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। पेरिस में कंपनी के मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि DCNS ने आवेदन देकर मांग की है कि द ऑस्ट्रेलियन उन दस्तावेजों को हटाए जो उसने अपनी वेबसाइट पर डाली है तथा अन्य दस्तावेजों का और कोई प्रकाशन रोके। भारत और अमेरिका ने सोमवार को एक ऐसे महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों को रक्षा क्षेत्र में साजो सामान संबंधी निकट साझेदार बनाएगा तथा इसके साथ ही दोनों सेनाएं मरम्मत एवं आपूर्ति के संदर्भ में एक दूसरे की संपदाओं और अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगी। साजो सामान संबंधी आदान प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टिन कार्टर ने कहा कि ये समझौता व्यवहारिक संपर्क और आदान प्रदान के लिए अवसर प्रदान करेगा। ये समझौता दोनों देशों की सेना के बीच साजो सामान संबंधी सहयोग, आपूर्ति एवं सेवा की व्यवस्था प्रदान करेगा। सोमवार को भारी बारिश होने के कारण दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बार फिर जाम की स्थिति पैदा हो गई और इस बार इस जाम में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भी फंस गए। जॉन केरी सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो दिल्ली के सड़क पर भारी जाम में फंस गए। इस दौरान उनके साथ दो विदेशी पत्रकार भी थे। पत्रकार निकोल्स वेडमास जो जॉन केरी के दिल्ली प्रवास में उनके साथ हैं,
उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी ली। उन्होंने लिखा, जॉन कैरी किसी भी दूसरे आम इंसान की तरह दिल्ली की भीगी रात में रोड जाम में फंस गए हैं। एक दूसरे पत्रकार स्टीव हरमन ने ट्वीट करके बताया कि घंटे भर से जाम में फंसे जॉन कैरी को निकालने के लिए दिल्ली पुलिस को बुलाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मैच से पहले परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें फ्लोरिडा के लॉन रहील में हुए इस मैच के लिए स्टेडियम में जाने से रोक दिया गया। स्टेडियम की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। गावस्कर इस सीरीज में आधिकारिक कमेंट्री टीम में शामिल थे। पीटर डेला फेना नाम के शख्स ने ट्वीट के जरिए इस वाक्य को सार्वजनिक किया। उन्होंने एक के बाद एक टीम ट्वीट किए और इस बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि भारतीय टीम के यहां होने से प्रवेश नहीं दिया गया, इसलिए गेट के बाहर खड़ा हूं। वैसे आज अच्छा लग रहा है क्योंकि वे सुनील गावस्कर को भी मना कर रहे हैं। गावस्कर का साथी परेशान हो रहा है। उसने कहा, क्योंकि तुम्हें पता है वह कौन है, उनकी अंदर जरूरत है। सिक्योरिटी ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वह कौन है, वे अंदर नहीं जा रहे। पहलवान योगेश्वर दत्त रियो ओलंपिक से भले ही खाली हाथ लौट आए हों, लेकिन अब उनको एक सांत्वना पुरस्कार मिलने जा रहा है। दरअसल 2012 लंदन ओलंपिक के दौरान जो उन्होंने कांस्य पदक जीता था, वह अब अपग्रेड होकर सिल्वर का होने जा रहा है। वास्तव में ये उनके लिए भी सुखद आश्चर्य से कम नहीं होगा। ऐसा इसलिए होना जा रहा है क्योंकि जिस रूसी पहलवान ने उस दौरान सिल्वर मेडल हासिल किया था, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव निकला है, यानी वह डोपिंग की परीक्षा में फेल हो गया। उल्लेखनीय है कि लंदन ओलंपिक में 7 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में रूस के बेसिक कुदुखोव ने सिल्वर मेडल जीता था और योगेश्वर को कांस्य मिला था, लेकिन अब बेसिक का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण वह तमगा कांस्य पदक विजेता रहे योगेश्वर को दिया जाएगा। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।